आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 50 हो गया है। पाठक ने कहा उनकी हालत चिंताजनक है, वो चुने हुए सीएम हैं, उन पर कई लोगों का भरोसा टिका हुआ है, ऐसे व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा कि उपराज्यपाल LG कह रहे हैं कि केजरीवाल जानबूझकर अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल के स्वास्थ्य और उनकी रिहाई को लेकर इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को जंतर मंतर पर रैली करेगा, इसमें अखिलेश और तेजस्वी यादव शामिल होंगे। 25 जुलाई को दिल्ली की मंत्री आतिशी ने BJP पर केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया। आतिशी ने यह भी कहा, जब भाजपा को केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की संभावना के बारे में पता चला तो उन्होंने मुख्यमंत्री को CBI से गिरफ्तार करवा दिया, यह जानते हुए कि केजरीवाल को पिछले 30 वर्षों से डायबिटीज है। हिरासत में उनका वजन 8.5 किलो तक कम हो गया, उनका शुगर लेवल 34 बार गिर चुका है। आतिशी ने बताया कि केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट केंद्र और LG के साथ साझा की गई थी, इसमें बताया गया था कि केजरीवाल की शुगर क्रिटिकल लेवल तक गिर गई है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ, धन्यवाद।